हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं कॉन्सेप्ट सीआई और एसआई का, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों, इनका कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, जिस कॉन्सेप्ट पे आप चाहे साधारण ब्याज का सवाल हो या चक्रवृद्धि ब्याज का हो, आप दोनों सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, फिर आप अपने वीडियोस देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियोस देखिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो बच्चों, हम लोग वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाएंगे ताकि हमारा वीडियो कम टाइम का बने। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे आपसे आज इंटरेस्ट के बारे में। और हम सभी को पता है कि इंटरेस्ट जो है दो तरह का होता है कि नहीं बच्चों? एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। हम आपको बता दें बच्चों कि जो सिंपल है या कंपाउंड है, इस चैप्टर में जब भी आप जाएंगे आपको यहाँ पर कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे आपको मूलधन मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, ब्याज मिलेगा, दर मिलेगा, छमाही, अर्धवार्षिक, ये सारे शब्दों से मिलके ही सारे सवाल बने रहेंगे। और जब तक इन शब्दों का आपको अच्छे से मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम ये भी समझते हैं कि आखिर साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे बच्चों। थ्योरेटिकल नहीं, बहुत लैंग्वेज नहीं देंगे, बहुत डिफिनेशन नहीं देंगे, जो भी सारी बातें हैं कॉमन सेंस पे बेसिकली बातें करनी और प्रैक्टिकल बातें करनी है बच्चों। तो देखिए क्या बातें करने वाले हैं हम। सबसे पहले इनको शब्दों को समझते हैं बच्चों। जैसे इनका सबसे पहला शब्द है बच्चों प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? मूलधन, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मूलधन। हम लोग इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग बच्चों मूलधन कहते हैं। मूलधन मतलब जो भी पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। यदि मेरी पॉकेट में 1000 रुपए है तो 1000 ही मेरा मूलधन है, जो कि है नहीं। तो बच्चों, जो भी हमारे पास है वही हमारा मूलधन है। यदि हमने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरा मूलधन नहीं है, बिकॉज मैंने उसे इन्वेस्ट कर रखा है, वो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास है वही मेरा मूलधन है। अब बच्चों, बाय द वे, मान लो इस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट किया। जब आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिलेगा, और कुछ ना कुछ समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ ना कुछ समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। और जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 10%, 12%, 5%, 20%, कुछ ना कुछ आपको ब्याज देगा बच्चों। मान लेते हैं कि हमें कुछ ब्याज मिलता है, तो जो ब्याज मिलेगा बच्चों, ये बात ध्यान देना, ये मूलधन के ऊपर ही मिलेगा। यानी इंटरेस्ट हमें हमेशा जो है ब्याज जो है बच्चों, हमेशा हमें मूलधन के ऊपर ही मिलता है। यानी इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें किस पे मिलेगा? वो हमें हमेशा मूलधन पे मिलेगा, इसे हम लोग ब्याज कहते हैं। यानी ब्याज पर, ब्याज क्या होता है? जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे जो भी हमें ज्यादा पैसा मिलेगा कहीं इन्वेस्ट करने के बाद, वो जो हमारा एक्स्ट्रा मनी होगा वही हमारा ब्याज होगा। 1000 रुपए आपने जमा किया, 10% आपको ब्याज मिल रहा है, तो 1000 का 10% बच्चों 100 रुपए होगा, 100 आपका ब्याज है। जो भी एक्स्ट्रा मनी मिलेगा वही आपका ब्याज है। अब आपने क्या किया बच्चों? हम सिर्फ ब्याज समझ रहे हैं, अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि सिंपल क्या कंपाउंड। अभी सिर्फ बच्चों ब्याज शब्दों का मतलब, अभी हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ शब्दों का मतलब। अब बच्चों, मान लो अगर इसी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, जिसे आपने दिया था या जहां आपने जमा किया था, आपने अपना पैसा जमा किया, उस पैसे पे आपको ब्याज मिला। जब आप अपना पैसा वापस लेने जाएंगे तो आपका पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पे जो ब्याज मिला है वो भी आपको मिलेगा। यानी पैसा और ब्याज मिला के जो आपको मिलेगा बच्चों, उसी को हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और हिंदी में बच्चों हम लोग मिश्रधन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अमाउंट, मिश्रधन और मूलधन में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मूलधन क्या है और मिश्रधन क्या है। बच्चों, मूलधन वह पैसा होता है जो मेरे पास है, और मिश्रधन वह पैसा है जिसमें हमारा पैसा भी है और ब्याज भी है। जब पैसा और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर न तो मूलधन लिखा रहेगा न तो मिश्रधन लिखा रहेगा, वहां पर राशि लिखी रहती है, एक राशि। तो आप ये नहीं समझ पाते ये राशि मूलधन है या मिश्रधन है। तो बच्चों, समझने का मतलब बस इतना सा है, यदि ऐसा लिखा है कि कोई पैसा इतने वर्षों में इतना हो गया, हो गया का मतलब क्या है बच्चों? हो गया का मतलब ये है, पैसा हमारा कुछ और था, इतने सालों में इतना हो गया, इसका मतलब उस पे ब्याज भी ऐड हो गया। ब्याज ऐड हो गया तो हमारा मिश्रधन है। और बोला कोई राशि इतने वर्षों में इतना हो जाएगा, तो जो राशि है बच्चों हमारा मूलधन है, हमारा मूलधन है। और कोई पैसा बढ़ के हो जाएगा तो हमारा मिश्रधन है। तो वहां नहीं भी लिखा रहेगा तब भी चीजों का मतलब समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों? ये इनके शब्द हैं।
दूसरा बच्चों जो दर मिलता है, दर तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां आप जमा करेंगे, समय मतलब टाइम होता है बच्चों, तो ये सारे शब्द हैं। और जो शब्द हैं आगे बात करते हैं अभी अर्धवार्षिक और छमाही के बारे में, तो ये सारी बातें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। अब देखो बच्चों अगली बात क्या है, अगली बात हमें ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है। उसके बाद बच्चों मैं जो अपना कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उस कॉन्सेप्ट से चाहे एसआई का सवाल हो चाहे एसआई का सवाल हो, एक ही कॉन्सेप्ट से बिना फार्मूले के आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे बड़े आसान तरीके से। देखो बच्चों अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करें, यानी यदि हम एसआई के फार्मूले की बात करें, तो हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये हम लोग का फार्मूला होता है बच्चों, ये आप ध्यान देना। इंग्लिश में हम लोग इसे लिख देते हैं एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, क्योंकि पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। अब बच्चों यहां पर एक बात को ध्यान रखना, मान लो आप किसी क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाते हैं यूज करते हैं, तो टाइम को हमेशा बच्चों ईयर में ही लिखना, वर्ष में ही लिखना, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, वर्षों में ही लिखना, इस बात का आप ध्यान रखना। मान लो आपसे बोल दिया टाइम कि 9 महीने का ब्याज क्या होगा, यदि आपको टाइम यहाँ बच्चों 9 महीना दिया है तो बटे में यहाँ 12 कर देना, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, बटे में 12 कर देंगे तो समय हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको दिन दिया गया है कि भाई 73 दिन का ब्याज क्या होगा, तो बच्चों हम सभी को पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो बटे में 365 कर देना, 73 बटे 365 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। दिन दिया रहेगा तो बटे में 365, और यदि आपको महीना दिया है तो बटे में 12, और यदि आपको वर्ष दिया है तो कुछ नहीं करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, ये फार्मूले के ऊपर था बच्चों। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बच्चों यहाँ दो चीज होता है, एक तो कंपाउंड अमाउंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं चक्रविधि मिश्रधन, और एक होता है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं चक्रविधि ब्याज। दोनों का फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है बच्चों पी गुणे 1 प्लस दर बटे 100, दर मतलब आर, आर मतलब दर, बटे में पावर में यन है बच्चों, यन का मतलब हम समय से मतलब है, दो साल तीन साल जो भी आपको दिया जाएगा, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों चक्रविधि मिश्रधन का। और इसका फार्मूला होता है पी इंटू बड़ा ब्रिकट लगा दीजिएगा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर यन माइनस 1 कर देना बच्चों, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो ये तो इनके फार्मूले हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम की अगर बात करें बच्चों, जो समय दिया है यदि वर्ष दिया है तो आप वर्ष में वहां लिख देना। यहाँ पर आपसे दो बातें एक्स्ट्रा और कर लेते हैं छमाही और तिमाही के बारे में बच्चों। यहाँ पर यदि छमाही की बात करता है, छमाही हम सभी को पता है एक साल में 2 बार 6-6 महीना आता है, तो बच्चों उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस रेट में आपको 2 से भाग कर देना है और टाइम में आपको 2 से गुणा कर देना है। जो भी टाइम आएगा उसी टाइम का आप यहाँ यूज करेंगे या यहाँ यूज करेंगे, या जो भी आपका रेट आएगा यहाँ यूज करेंगे या यहाँ पर यूज करेंगे, जैसा हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चों। इस बात का ध्यान देना, छमाही की बात होगी तो रेट में 2 से भाग करना है, टाइम में 2 से गुणा करना है। वहीं पर बच्चों यदि तिमाही की बात होगी तो तिमाही में क्या करना है बच्चों, रेट में आपको 4 से भाग करना है और टाइम में आपको 4 से गुणा करना है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन टाइम में जब गुणा करना है बच्चों, महीना दिया गया है तो उसको वर्षों में कन्वर्ट कर लेना। जैसे मान लो आपको बोला 9 महीना है, 9 महीने का तिमाही ब्याज क्या होगा, तो पहले 9 मंथ को आप अपान में 12 कर लो, इसे आप कन्वर्ट कर लो वर्ष में, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करना, ये तरीका है बच्चों, 4 तिहाई 12 3 तरह का 9। तो आपको पता है वैसे भी कि हमारा जो 9 महीने में तिमाही पड़ेगी वो कितनी तिमाही पड़ेगी, 3 तिमाही पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इनके फार्मूले को लगा के इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों जो हम आपसे आगे बात करने वाले हैं, आगे मेरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो सारी चीजों को निकाल सकते हैं। ये तो अपना बेसिक फार्मूला हो गया जो आपको समझना जरूरी था। अब बच्चों आप समझिएगा आखिर इसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा कॉन्सेप्ट है कि एक ही कॉन्सेप्ट से बिना फार्मूले के हमारे सारे सवाल लग जाएं, वो भी एसआई के भी सीआई के भी। हाँ बच्चों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया एसआई और सीआई के सारे सवाल हमारे लग जाएंगे, बस आपको ध्यान देना है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बच्चों चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करते हैं आखिर ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया कि माना कि मेरे पास 1000 रुपए है और हम किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वहां से हमें 10% ब्याज मिलता है और हमने अपना पैसा 2 साल के लिए जमा कर रखा है। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इस पैसे का, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा हमसे, या कुछ और भी पूछता है बच्चों, हम सारी चीजें यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें
बहुत सारी चीजें गिवेन है, इतने चीजों से ही हम सारी चीजों का वैल्यू निकाल लेंगे, या इनमें से कुछ मिसिंग भी रहेगा तब भी चीजें बन जाती हैं, वो हम सवाल में बात करेंगे। अभी हम बस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों होते क्या है। लेकिन बच्चों बात करने से पहले, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बात आप और समझ लीजिएगा। बच्चों हम जो पहली बात कर रहे हैं कि पहले साल का जो SI होता है वही CI होता है, फर्स्ट ईयर का CI और SI दोनों बराबर होता है, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। लेकिन साधारण ब्याज बच्चों प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, इसमें क्या होता है जो पहले साल रहेगा वही हर वर्ष रहेगा, प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, जो आपको फर्स्ट ईयर ब्याज मिल जाएगा बच्चों वही हर साल मिलेगा, ऐसा साधारण ब्याज होता है, जबकि ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है। अब बच्चों हम सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो आपने 1000 रुपए बैंक में जमा किया है और इस पैसे को अपना पैसा मानिएगा, किसी और का मत मानिएगा, अपना मानोगे, कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, है कि नहीं। अब जैसे मान लो बच्चों हमने 1000 रुपए बैंक में जमा किया है, अब बैंक ने हमें कितना ब्याज दिया, 10%। हमें कोई फार्मूला नहीं पता, ना तो ऐसा ही करना तो सही आएगा, बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि हमें बैंक 10% ब्याज देगा बच्चों, तो इस 1000 रुपए पे हमें कितना ब्याज देगा बैंक, एक साल में 100 रुपए देगा, क्योंकि 1000 का 10% तो 100 रुपया होता है, हमें बैंक कितना ब्याज देगा, 100 रुपए देगा। अब बच्चों हमने आपसे कहा पहले साल का चाहे SI हो चाहे CI हो दोनों बराबर होता है, और दूसरी बात हमने कहा SI हर वर्ष का वही होता है जो प्रथम वर्ष का होता है। यदि एक साल का 100 रुपया है बच्चों, तो 2 साल का कितना हो जाएगा SI, 2 साल का 200 हो जाएगा, एक आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया, 3 साल का 300, 4 साल का 400 और बच्चों 5 साल का 500 हो जाएगा। जितना भी वर्ष बोलेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वहीं पर बच्चों यदि हम बात करेंगे SI की, ये तो हमारा SI हो गया, CI की बात करेंगे बच्चों, तो CI भी हमारा प्रथम वर्ष का वही होगा जो हमारा SI है। लेकिन आपने पैसा निकाला नहीं बैंक से, आपका पैसा भी 1000 रुपए बैंक में ही जमा है, जब आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे तो अगले साल भी आपको 1000 रुपए पे 10% फिर से मिलेगा, और 10% जैसा कि आपने निकाला है 100 रुपए है, तो अगले साल भी आपको 1000 रुपए 100 रुपए फिर से मिलेगा, और ये हमारा SI हो गया। अब हमें CI निकालना है, तो बच्चों CI में आपने यही पढ़ा कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे आपने पहले साल जब पैसा जमा किया 1000 रुपए, तो एक साल बाद पैसा कितना हो गया, एक साल बाद पैसा आपका 1100 रुपए हो गया। अब आपको अगले साल बच्चों 1100 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा, और उस 1100 में आपको 1000 के ऊपर मिल चुका है 100 रुपए, तो आपका ब्याज कितना बचा, 100 रुपए बचा। इस 100 रुपए के ऊपर भी आपको मिलेगा 10%, जो कि 10 होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ब्याज कितना मिल गया, 210 मिल गया, यानी हमारा जो CI हो गया 210 हो गया, और जो दोनों का अंतर है बच्चों वो 10 है, साफ साफ दिख रहा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। मान लो 3 साल होता बच्चों, तो पहले साल 100 मिलता, दूसरे साल 100 मिलता, दूसरे साल तक का तो आपने कॉन्सेप्ट समझाइए। यदि 3 साल होता तो तीसरे साल भी बच्चों आपको 100 रुपए मिलता, क्योंकि आपने पैसा अपना निकाला नहीं है, ये जो 100 मिल रहा है बच्चों 1000 रुपए मिल रहा है। अब 2 साल बाद आपका पैसा 1210 हो गया था, 1000 आपने जमा किया था और 210 ब्याज मिला था, तो बच्चों 1000 रुपए तो आपने ब्याज ले लिया, जो आपका 210 बच रहा है इसके ऊपर भी सब पे आपको 10% मिलेगा, यानी इस पे भी 10% मिलेगा, और इस पे भी आपको 10% मिलेगा, और इस पे भी 10% मिलेगा। वैसे ही बच्चों 210 बढ़ा था, 210 का भी 10% निकालते तो अपना कितना आता, 21 आता, और यहाँ भी ब्याज कितना मिल रहा है, 21 ही मिल रहा है, इसका 10% एक होगा, तो बच्चों देखो 21 ही मिल रहा है कि नहीं, ये 1210 के ऊपर हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा 331 रुपया हो जाएगा, CI हो जाएगा, और SI की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है 300। बच्चों कैसा लगा कॉन्सेप्ट, बस इतना सा है कॉन्सेप्ट, इतने ही कॉन्सेप्ट का हम यूज करके सारे सवाल को लगाएंगे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो या साधारण ब्याज का। बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं आपको, हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में लिखो, और आपके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को भेजो डाउट काउंटर पे, और हम उनके क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के फॉर्मेट में। हर मंडे या संडे की इवनिंग या मंडे की मॉर्निंग में आपको वीडियोस मिल ही जाएंगे बच्चों, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों, इससे करने से हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, आप सभी को बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।